हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। तो दोस्तों, ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट चल रही है, जो वीडियो कंटिन्यूटी में चल रही है, उसी का अब नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। आज हम जो है, लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप हमने सारा देखा। उसके बाद हमने एक फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा जिसका नाम था द हिमालयन रेंज, या जिसको हम किस में पढ़ते थे, नदन माउंटेन्स में। उसमें हमने हिमालयास, ट्रांस हिमालय रेंज और पूर्वांचल वैली जैसे क्या कहते हैं आपके फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा। अब दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले इंडो गैंगेटिक प्लेन और ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, या हम इनको क्या बोलेंगे बच्चा, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। बच्चे देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ये कहाँ मिलते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपको एक मैप बना के, मैं एक मैप के जरिए आपको क्या करूंगा बच्चा, बताऊंगा, राइट। ये एक जो होगा आपका मैप होगा, जिसके जरिए मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा। अरे भाई, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बच्चा, इंडियन मैप बन गया, राइट। अब इस इंडियन मैप में आपका जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है बच्चा, मैं ग्रीन ग्रीन करूंगी, हाँ इससे, तो ये आपका ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आपको बिल्कुल लगभग आपको इस जगह में ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया क्या है बच्चा, पाया जाता है। दिस पार्ट, ये बिल्कुल मैदानी एरिया है। क्या है ये? मैदानी एरिया। और थोड़ा सा हिस्सा बच्चा आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर रिवर्स जो चल रही हैं बच्चा, जिन्होंने इसको बनाया है, वो इंडस है, और इंडस की क्या है बच्चा, आपकी ट्रिब्यूटरीज, उसको जो ज्वाइन करने वाली ट्रिब्यूटरीज है ना, वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। और क्या है आपकी यहाँ से चलने वाली बच्चा, गंगा, और एक नदी जो है आपकी क्या, ब्रह्मपुत्रा। इन नदियों ने मिलके इसको बनाया है। दोस्तों देखो, अब क्या हुआ, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इनकी फॉर्मेशन कैसी हुई। इनकी फॉर्मेशन जानने के लिए बच्चा हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, क्या इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ। इस पार्ट को रब करने का मतलब ये है कि मैं आपको बताऊँ कि जब हमारा, राइट, जब हमारा क्या, आपका इंडिया किसका पार्ट था, पेंजिया का पार्ट था। किसका पार्ट था? इंडिया का, पेंजिया का पार्ट था। इंडिया का सिर्फ इतना हिस्सा ही लाइक करता था, क्या करता था, इतना हिस्सा ही क्या करता था, इंडिया का लाइक करता था। इट वॉज पार्ट ऑफ पेंजिया। मतलब आज से आपका 250 मिलियन ईयर्स बैक, राइट, 250 मिलियन ईयर्स एगो, राइट, दिस पेंजिया, मतलब ये इंडिया का पार्ट आज जहां पे आपको वर्ल्ड मैप में मिलता है वहां नहीं था। ये आपका लगभग, अगर ये ग्लोब था, क्या ये ग्लोब था, मैं इसको मिटाता हूं, डोंट वरी, इसको मैं पूरा डिटेल में करूंगा। आपका अगर ये ग्लोब था, तो आज बच्चा अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपको क्या पता चलेगा कि भैया ये है आपका क्या, ये है आपका इक्वेटर, डन, इक्वेटर। आज इंडिया जो है वो आपको कहाँ मिलता है, इंडिया आपको लगभग यहाँ देखने को आपको मिलता है, कहाँ, यहाँ देखने को मिलता है इंडिया, राइट, इंडिया आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इंडिया आज से 250 मिलियन साल पहले इंडिया लगभग आपका इस जगह में था। किस, इस जगह में क्या था, इस जगह में था, याद रखिएगा, इस जगह में। तो इंडिया यहाँ से बच्चा आपका चल के बच्चा आपका क्या हुआ है, ऐसे ऊपर गया है। और बच्चा ऊपर कौन सी आपकी प्लेट थी, उस प्लेट का नाम था बच्चा क्या आपका, उस प्लेट का अगर मैं नाम बताऊं, दैट प्लेट वॉज यूरेशिया प्लेट। क्या था? यूरेशिया प्लेट। और ये जाके बच्चा आपका इंडियन प्लेट क्या हुई, जाके टकराई बच्चा किसके साथ, आपकी यूरेशियन प्लेट के साथ। किसके साथ टकराई बच्चा आपकी इंडियन प्लेट जो है, उसका टकराव किसके साथ हुआ बच्चा आपका, यूरेशियन प्लेट के साथ हुआ। और ये जो फोर्स जो लगी इस प्लेट के टकराने की वजह से, तो भैया आपकी क्रस्ट की क्या होगी, ओवरफोल्डिंग होगी, और ये क्रस्ट क्या बन गए आपके बच्चा, हिमालयस बन गए, ट्रांस हिमालयस बन गए, पूर्वांचल बन गए। क्या बन गए? हिमालयस, ट्रांस हिमालयस, पूर्वांचल बन गए। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, तो हिमालयस जब बने, तो आपके क्रस्ट की अपरैपिंग भी हुई, ठीक है, और क्रस्ट की डाउन रैपिंग भी हुई। ऐसे बिल्कुल शिवालिक्स के आगे क्या बन गया बच्चा, एक ट्रफ बन गया। क्या बन गया? सुनना ध्यान से,
शिवालिक के आगे क्या बन गया बच्चा, एक ट्रफ बन गया, ऐसे गड्ढा बन गया, क्या बन गया, गड्ढा बन गया, राइट। अब बच्चा एक बात याद रखना, जैसे ही प्लेट टकराई हिमालयस बने, अब जब हिमालयस बने तो हिमालयस ने जब हाइट अटेन करी तो यहां पे आपके ग्लेशियर की फॉर्मेशन हुई, क्या हुई, ग्लेशियर की फॉर्मेशन हुई, हुई ना बच्चा। यहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलना स्टार्ट हुए बच्चा, आपको ग्लेशियर्स मिलना स्टार्ट हुए, है ना, जिसमें से एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सत्योपंत ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर्स मिले। तो जैसे आपका बच्चा इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टकराव हुआ, इट लेड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ व्हाट, हिमालयस। जब हिमालयस अपलिफ्ट हुआ, हाइट अटेन करी, तो बच्चा आपको पता है नीचे से ऊपर जाते हुए टेम्परेचर कम होता है, तो ऊपर जो भी आपकी प्रेसिपिटेशन हुई, यानी कि पानी जो आसमान से धरती की तरफ गिरा बादलों में से, वो किसकी फॉर्म में गिरा बच्चा, स्नो की फॉर्म में गिरा, क्यों, टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर कम था, और यही स्नो की एक्यूमुलेशन होते होते आपको क्या मिल गया बच्चा, ग्लेशियर्स, और इन ग्लेशियर्स ने किसको जन्म दिया बच्चा, नदियों को। अब जब नदी जो है, आप सोचो जब नदी, नदी का जब भी कोई ओरिजिन है तो आप देखो वो हमेशा एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर हाइट से होता, ऊंचाई से। अब मुझे एक बात बताओ, ये पहाड़ है, इस पहाड़ के यहां से जब आपकी नदी निकल रही है कोई ग्लेशियर से, तो वो जो स्लोप में चलेगी, उस स्लोप में उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा होगी, उसकी जो स्पीड है कितनी ज्यादा, क्योंकि स्लोप क्या है बच्चा, बहुत स्टीप है, वॉल लाइक। जब यहां पे कोई भी पानी, अगर आप पानी फेंको तो पानी कितना तेजी से जाएगा। तो बच्चा ये नदियां जब जो है आपकी इस स्टीप स्लोप से नीचे आने लगी, तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं हिमालयस को इरोड करना स्टार्ट करा, उखाड़ना स्टार्ट करा, इनके रास्ते में, इनके कोर्स में कोई भी पत्थर जो आ रहे थे, उन पत्थर को उखाड़ना स्टार्ट किया, और वो पत्थर जो है वो अपने साथ उखाड़ के ट्रांसपोर्ट भी करके लाए। और जैसे ही बच्चा यहां पे पहुंचे, तो उन्होंने इस पत्थर को क्या करना स्टार्ट करा, यहां पे भरना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, भरना स्टार्ट कर दिया, क्या करना स्टार्ट कर दिया, भरना स्टार्ट कर दिया, और भर भर के बच्चा आज ये आपका क्या बन चुका है, एक बच्चा बिल्कुल क्या, आपका एक प्लेन एरिया, जिस प्लेन एरिया को आज हम क्या बोलते हैं, इस प्लेन एरिया को हम बोलते हैं क्या, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, क्या बोलते हैं, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, याद रहेगा बच्चा, इसको क्या बोलते हैं आज हम, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो मेरे दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, इट लेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस, और बच्चा हिमालयस ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ग्लेशियर्स, ठीक है ना, हाई अल्टीट्यूड में वही ग्लेशियर जो हैं बच्चा नदियों के लिए क्या बने, पानी का सोर्स बने, और यही नदियां जब हाई स्लोप, वेरी स्टीप स्लोप माउंटेन से जब इनने क्या किया, सेडिमेंट्स को अपने साथ लाना स्टार्ट किया, यहां पे इस गड्ढे को, इस डिप्रेशन को भरा, और आज ये मैदानी एरिया बन गया है। ये मैदानी एरिया बच्चा आपको कहां मिलता है, ये मैदानी एरिया आपको मिलता है बच्चा कहां पे, शिवालिक के बिल्कुल बच्चा फुटहिल से स्टार्ट होता है, शिवालिक का फुटहिल यहां पे है, राइट। और ये शिवालिक के कहां पे, आप शिवालिक के कौन से फेस को, कौन से स्लोप को ये फेस कर रहे हैं बच्चा, वो कर रहे हैं आपके सदर्न स्लोप को ये फेस कर रहे हैं। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, और बच्चा बिल्कुल फुट हिल से बच्चा ये आगे तक एक्सटेंड करता है क्या, आपका एक बिल्कुल क्या मेरे दोस्तों, मैदानी एरिया, जिसको हमने क्या बोला, नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया। और आप उठा के देख लो बच्चा, इस पूरे नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया में आपको क्या मिलेगा बच्चा, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, आपका दिल्ली आ गया बच्चा, ठीक है, उसके बाद आपका बिहार आ गया, आपका वेस्ट बंगाल, ये पूरा यहां पे फैला हुआ, देखो नदियां ही नदियां, उठा के देख लो भाई, बिल्कुल यूपी के सेंटर से बच्चा गंगा जा रही है भाई, बिल्कुल बिहार से गंगा होते हुए जा रही है, कितनी रिवर्स है, गंडक रिवर, आप देखो हिमाचल प्रदेश में, अगर आप देखो हिमाचल प्रदेश रिवर जो है हरियाणा में आ रही है, हरियाणा में आप देखो कितनी रिवर है, राइट। पंजाब, फाइव रिवर्स, पंजाब भरा हुआ है, इवन की आपका J&K बच्चा, कौन सा, J&K में जो जम्मू का साउथ रीजन है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का साउथ रीजन, वहां पे भी आपको मिलेगा, कहां पे बच्चा, अखनूर प्लेन्स, अखनूर प्लेन किसने बनाया, चिनाब नदी ने, कैसे बनाया, किश्तवाड़ से, हिमाचल प्रदेश से, पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ के, उखाड़ उखाड़ के उनके क्या कणों को, सेडिमेंट्स को लेके आई, वही मलबा डिपॉजिट करके अखनूर प्लेन एरिया बना दिया भैया, क्या बना दिया आपका, आरएस पूरा बना दिया। लो जी, कठुआ का रीजन आप देख लो, विजयपुर का रीजन आप देख लो बच्चा, सांबा देख लो, सारा मैदानी एरिया, देखो कितनी खेती होती है यार,
झूठ तो नहीं बोल रहा, ये सारा खेती होती है पूरी, ये सारा किसने बनाया, आपके रिवर्स ने इसको बनाया है, याद रहेगा, क्लियर है बच्चा। अब याद रखो बच्चा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया को ए ग्रेडेशनल प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए ग्रेडेशनल प्लेन भी बोलते हैं बच्चा। अब ए ग्रेडेशनल प्लेन क्या है, घबराते हो? बिल्कुल ना घबराओ बच्चा, वो प्लेन एरिया, वो मैदानी एरिया विच इज फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशनल एक्टिविटी। क्या? डेपोजिशनल एक्टिविटी, राइट? डेपोजिशनल एक्टिविटी मतलब क्या हो गया बच्चा, सुनो ना, पत्थर उठाए, उखाड़े, नदी ने उठा के यहां पे डिपॉजिट कर दिए, छोड़ दिए। तो वो प्लेन एरिया जो नदी के डेपोजिशनल एक्टिविटी से बना हो, मटेरियल कहीं से उठाया, कहीं आके डिपॉजिट किया, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, उसको हम बोलते हैं ए ग्रेडेशनल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए ग्रेडेशनल प्लेन। ये प्लेन बच्चा मोनोटोनस भी है। क्या है बच्चा? मोनोटोनस मतलब आपको बिल्कुल कोई, बहुत कम है कि आपको यहां पे कोई टोपोग्राफी देखने को मिले। ये बिल्कुल फीचरलेस है बच्चा, बिल्कुल प्लेन इलाका है, फीचरलेस। आपको इसमें क्या मिलेगी? टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? फीचरलेस टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? अब देखो जो मैं बताने वाला हूं। पहले मैं आपका एटलस कहां गया भैया? अच्छा, वो मिटा दिया था। अब देखो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, आपका लॉन्गिट्यूडनल, क्या? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ प्लेन्स, राइट, है ना? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन यानी कि नॉर्थ से साउथ डिवीजन। अब देखो बच्चा, ये है आपका क्या, ये है आपका सुंदर सा शिवालिक। क्या है? ये सुंदर सा शिवालिक है, राइट, क्लियर हो गया? ये सुंदर सा आपका क्या है? आपका शिवालिक है। मेरी बात क्लियर? और ये स्टार्ट होते हैं शिवालिक्स के कहां से बच्चा? आपके शिवालिक्स के फुटहिल से स्टार्ट होते हैं, यहां से ये स्टार्ट होते हैं, फुटहिल से ये क्या करते हैं बच्चा, आपके आगे एक्सटेंड करते हैं, ऐसे एक्सटेंड करते हैं, राइट। तो आप देखो इस नदन प्लेन्स का क्या बच्चा, अगर मैं बनाऊं, ध्यान से सुनना बच्चा, इस नदन प्लेन्स का ध्यान से सुनना, यहां लिख रहा हूं मैं ग्रेट प्लेन्स, छोटा करके लिखूंगा, और यहां लिखूंगा मैं क्या, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर मैं आपको बताऊं, आपको कोई पूछे कि इस ग्रेट प्लेन्स का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है बच्चा, ये है ना, है ना, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है बच्चा आपका, इसको यहां से मिटा देता हूं, अरे, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये, साउथ कौन सा है ये। अब बच्चा इसकी डिवीजन की है, एक दो, बाकी हम एलुवियल प्लेन्स पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अभी छोड़ दो, राइट। नॉर्थ टू साउथ डिवीजन की है बच्चा। ग्रेट प्लेन्स का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट क्या, ग्रेट प्लेन्स का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो शिवालिक्स के बिल्कुल फुट पे है, जो शिवालिक्स के बिल्कुल फुट हिल्स पे लाया करता है, उसको हम बोलते हैं क्या बच्चा, भाबर। क्या बोलते हैं उसको? भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। नाउ व्हाट इज भाबर बच्चा, याद रखना, भाबर इज द जोन, भाबर इज द जोन, ठीक है, हुज विड्थ इज क्या, हुज विड्थ इज 8 to 16 किलोमीटर, क्या, जिसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है, एंड इट लाइज एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स। कहां लाई करता है ये? फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स में लाई करता है। और यहां पे खास बात क्या है, हेयर रिवर डिसअपियर्स, यहां पे रिवर क्या हो जाती है आपकी, डिसअपियर हो जाती है बच्चा। एक बात मैं आपको बहुत खास बताता हूं, आपने अगर जम्मू है, जम्मू में सबने तवी देखा है, तवी का पुल देखा है, विक्रम चौक के नीचे से तवी जाती है ना, आपने देखा विक्रम चौक के साथ जो पुल है उसके नीचे से तवी निकलती है। आप उस तवी में देखेंगे आपको जो पत्थर हैं, राइट, और जो भी सेडिमेंट्स हैं आपको, वो बहुत बारीक मिलेंगे, बहुत छोटे मिलेंगे। आपको इतनी बड़ी चट्टान, इतनी बड़ी रॉक देखने को मिलेगी ही नहीं,
बिल्कुल नहीं मिली। लेकिन आप इसी तवी को अगर आप फॉलो करते हुए तवी के ओरिजिन के पास जाओगे, जहां से तवी ओरिजिनेट होती है, भद्रवाह में कैलाश कुंड ग्लेशियर से, राइट, आप जाते जो आप देखना बच्चा, वहां पे आपको इतना बड़ा बड़ा पत्थर मिलेगा, इतना बड़ा बड़ा पत्थर मिलेगा बच्चा। वो पत्थर नदी ने तोड़ के लाया अपने रास्ते में, कोई भी आपका उसका जो चट्टान है इसको तोड़ के उस बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ लेके आई। लेकिन बच्चा वो यहाँ पे प्लेन एरिया में, मतलब यहाँ पे जो आपका तवी का पुल है उसके नीचे इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि बच्चा एरिया क्या है, जिस बेड के ऊपर वो चल रही है, जिस रॉक के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर चल रही है, उसकी स्लोप जेंटल है। और जेंटल स्लोप के कारण क्या बच्चा, एक स्लोप में ये बना रहा हूं, एक स्लोप मैंने सीधी रखी है, एक स्लोप मैंने ये बनाई है, दोनों में आप पानी फेंको, तेज कहां चलेगा, यहां पे। रिवर के पास मैकेनिकल फोर्स कहां ज्यादा होगी, यहां पे होगी, क्योंकि यहां पे इसके पास फोर्स किसकी वजह से हो रही है, स्टीप स्लोप की वजह से। तो उखाड़ेगी कहां पे उसके रास्ते में, कोई भी उसको साथ में उठा के ले जाएगी भैया, है ना। तो भाई जब रिवर जो है आपकी ऊपर से आती है, माउंटेन स्लोप से आती है, राइट, तो स्टीप स्लोप होने के कारण वो अपने साथ क्या करती है बच्चा, बड़े बड़े कोर्स मटेरियल अपने साथ उठा के लाती है, राइट। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचती है, तो यहां पहुंचने से नदी की क्या हो जाती है बच्चा, स्पीड स्लोप ब्रेक हुई, तो नदी की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अब वेलोसिटी कम होने के कारण वो इतने बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ कैरी नहीं कर पाती, तो वो क्या करती है, जो फाइनेस्ट सेडिमेंट होते हैं, जो फाइन सेडिमेंट जैसे चिकनी मिट्टी होगी, रेत होगी, उसको ले जाएगी, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों को वो यहीं पर डिपॉजिट कर देती है। क्या कर देती है, यहीं पर डिपॉजिट कर देती है। नाउ अब देखो बच्चा, अगर आप देखोगे तो इन पत्थरों में आपकी पोरोसिटी बहुत ज्यादा है। ये क्या है, बहुत पोरस है, पोरस मतलब जहां से पानी इजली, आप पानी डालो पानी पास हो जाएगा। अब क्या है बच्चा, नदी तो ऊपर चल नहीं पाएगी, तो नदी क्या होती है, इनसे बीच से क्रॉस होकर यहां से निकलती है। तो अगर आप यहां पे खड़े होंगे, क्या यहां पे खड़े होंगे, तो व्हाट यू विल सी कि भाई शिवालिक के फुटहिल्स में जोन है, जगह है, जहां पे रिवर ऊपर से तो आ रही है लेकिन आगे गायब हो रही है। रिवर गायब नहीं हुई, एक्चुअली रिवर अपने ही कोर्स मटेरियल के नीचे से चलना स्टार्ट हो गई, है ना, क्योंकि वो मटेरियल जो उसमें पोरोसिटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो बच्चा वो जोन आपका जो शिवालिक के फुट हिल्स के पास पड़ता है, जो कोर्सर बड़े बड़े मटेरियल से बना होता है, जहां पे रिवर क्या हो जाती है, आपकी गायब हो जाती है, वहां पे रिवर जहां डिसअपियर हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, भंवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, भंवर बोलते हैं, याद रहेगा। फिर बच्चा एक टाइम के बाद ये मटेरियल कम होता जाएगा, तो नदी जो है बच्चा वो वापिस आपकी सरफेस पे दिखना स्टार्ट होगी बच्चा, वो धरती की सरफेस, राइट, है ना, जो बेसिकली ये जो पार्ट है आपके भंवर के साउथ में मिल रहा है, जहां पे नदी आपको वापस सरफेस पे री इमर्ज होते हुए दिखती है, यानी सरफेस में चलते हुए दिखती है बच्चा, उस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, उस बेल्ट को हम बोलते हैं बच्चा तेराई। क्या बोलते हैं उस बेल्ट को, हम बोलते हैं तेराई। क्या बोलते हैं उस बेल्ट को, तेराई बोलते हैं बच्चा, इसका याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बच्चा। अब सुनिए कि व्हाट इज एल्यूवियल प्लेन बच्चा। एल्यूवियल प्लेन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लड प्लेन क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए कि फ्लड प्लेन क्या है। अब सुनिए बच्चा कि आपने देखा होगा आपकी तवी में ही, है ना, तवी में ही आप देखेंगे कि ये तवी जो है, ये तवी जो है, ये तवी चल रही है। क्या कर रही है बच्चा, ये तवी चल रही है, क्या ये तवी चल रही है, ठीक है, ऐसे तवी चल रही है। मेरी बात क्लियर हो गई, समझ के, क्लियर। अब बच्चा व्हाट इज फ्लड प्लेन, और बच्चा ये जो है ना, ये पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं बच्चा बैंक, किनारा। क्या बोलते हैं हम इसको, नदी का किनारा, है ना, जिसके बीच में चलती है, ये क्या होते हैं बच्चा, बैंक्स होते हैं। क्या होते हैं, बैंक्स, ये होते हैं बैंक्स। अब अगर रिवर जो है बच्चा नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में चल रही है, मतलब सदर्न डायरेक्शन रिवर की, तो मतलब रिवर का लेफ्ट क्या हो गया, लेफ्ट किनारा हो गया ये, राइट बैंक हो गया ये, राइट। अब देखो बच्चा, अक्सर आप देखोगे मैदानी एरिया की बात करो, फ्लड प्लेन मतलब ये मैदानी एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अब बच्चा जब इसमें बारिश होगी, क्या होगी, रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, सुनना ध्यान से, रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, रेनफॉल के टाइम पे बच्चा इसमें पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, डन, पानी का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा,
और जब पानी का वॉल्यूम पड़ेगा तो पानी जो है वो अपने बैंक से निकल के, मतलब अपने किनारों से बाहर निकल के अपने एडजेसेंट एरिया में क्या होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चा, बहना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो याद रखिए, रिवर जो फ्लड के टाइम पे अपने फ्लड, मतलब जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो अपने किनारों से निकल के जो एडजेसेंट साइड वाले एरियाज में बहती है, उन्हीं एरियाज को बच्चा क्या बोला जाता है, उन्हीं एरियाज को क्या बोला जाता है, फ्लड प्लेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? फ्लड प्लेन बोला जाता है। याद रहेगा बच्चा कि फ्लड प्लेन क्या है? फ्लड प्लेन वो एरिया है जो नदी के किनारे के साथ आपको मिलेगा, जहां पे फ्लड के टाइम पे जब रिवर का वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाता है तो वो अपने किनारों से निकल के जो साथ वाले एरिया में बहती है उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन एरिया। क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन एरिया। बच्चा अभी आपने सुना होगा लास्ट टाइम 2023 में आपको पता है कितने भयानक जो हैं क्लाउड बर्स्ट जो आपके हिमाचल प्रदेश में हुए, पंजाब में कितने ज़्यादा फ्लड्स आए, राइट, है ना, और आपके बहुत सारी जगहों में आपको फ्लड्स देखने को मिले। तो पंजाब में जब भगवंत मान जी हैं, राइट, है ना, आपको पता ही होगा भगवंत मान जी वहाँ के क्या हैं, CM हैं। तो भगवंत मान जी ने जब क्या देखा कि फ्लड से बड़े सारे लोगों का जो नुकसान हुआ, तो जब वो फील्ड में गए ये देखने के लिए कितना नुकसान हुआ, तो उनको जब न्यूज़ वालों ने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैंने पूछा अपने सारे क्या कहते हैं यहाँ पे जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, मैंने उनको पूछा कि ये बताइए कि जहाँ पे आज तक पानी आता नहीं था वहाँ पे कैसे नदी आ गई। भैया जी, भगवत मान जी को अगर थोड़ा सा अगर ज्योग्राफी का पता होता और अगर उनके थोड़े सा उनको नॉलेज होता, उनको पता चलता कि पंजाब पूरा फ्लड प्लेन है, पंजाब जो है वो पूरा फ्लड प्लेन एरिया है, राइट, वो पूरा फ्लड प्लेन एरिया है, वहाँ पे कभी भी कहीं पे भी आने वाले टाइम पे ऐसे ही होता रहा जो क्लाइमेट चेंज और जिसकी वजह से आपकी अनप्रेसिडेंटेड आपको क्या है, आपको क्या मिलती है, अनफोर्सीन आपको सिचुएशंस देखने को मिलती है जब भी फ्लड बहुत ज़्यादा आ गया, तो ऐसी ऐसी जगह में पानी आ गया जहाँ पे 100-100, 200-200 साल से पानी देखने को नहीं मिला था। ये हुआ ना बच्चा, जब यमुना का पानी बढ़ा तो हमने क्या देखा, जो रेड फोर्ट था, तो रेड फोर्ट और उसके साथ वाली जितनी भी मेट्रोज थी वहां पे पानी आ गया, और आपको पता ही है उसको शाहजहानाबाद बोलते थे, है ना, शाहजहानाबाद बोलते थे, राइट। तो बच्चा उस वक्त क्या हुआ, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में फोटोज आना स्टार्ट हो गए, जो उस वक्त के पेंटर से फोटो बनाए थे कि जिस वक्त आपका रेड फोर्ट बना था, आज अब कभी रेड फोर्ट लाल किले बड़ी बार आप गए होंगे, तो शाहजहां ने जब उसमें एंट्री करी थी तो उसने किश्ती से एंटर करी था गेट में, क्योंकि वो पूरा पानी, उसके चारों तरफ पानी था, यमुना चलती थी, वो यमुना जो उस वक्त वहां बहती थी, ठीक है, वो उस वक्त यमुना का क्या था बच्चा, ओल्ड फ्लड प्लेन एरिया था। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम नदियां अपना कोर्स, अपना रास्ता बदलती हैं। जो नदी का पुराना फ्लड प्लेन एरिया था बच्चा, यार ना, फ्लड प्लेन एरिया को आप एल्यूवियल प्लेन्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एल्यूवियल प्लेन्स। एल्यूवियल प्लेन्स मतलब क्या है कि वो प्लेन एरिया जो नदियों ने पहाड़ से उखाड़ के सेडिमेंट्स उखाड़ के लाए, ट्रांसपोर्ट किया और आके जमा करके जो मैदान एरिया बनाया, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूवियल प्लेन्स भी बोलते हैं। अब बच्चा नदी जो है हमेशा चेंज करती है, आज जहां तभी चल रही है, आज से 100,000 सालों के बाद आपको देखने को मिलेगा तभी यहां से नहीं चल रही होगी, उसका प्लेन एरिया जो बदल जाएगा, क्योंकि नदी जो है कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, अपने रास्ते को बदलती रहती है। तो यमुना में नदी, यमुना सॉरी रेड फोर्ट के पास आपको यमुना वापस देखने को मिली, क्यों भाई, नदी तो जहां बहती थी एक टाइम पे वहां पे वापस आएगी आएगी, तो नदी का क्या था, ओल्ड फ्लड प्लेन एरिया था। तो बच्चा ओल्ड फ्लड प्लेन एरिया को क्या बोलते हैं, हम भांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भांगर। What is Bhangar? It is old floodplain area, right? जो it was once the area जहां से river क्या करती थी, drain करती थी। अब river ने with passage of time erosive capacity उसकी चलती है, deposition चलती है, तो रास्ता बदलती रहती है ना। तो मेरे दोस्तों आज जहां पे यमुना बहती है प्लेन मैदानी एरिया में, उसके साथ वाला एरिया जो है जहां पे वो फ्लड के टाइम पे बाहर आ सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू फ्लड प्लेन एरिया। क्या बोलते हैं? न्यू फ्लड प्लेन एरिया, जिसका नाम क्या होता है आपका, खादर। क्या होता है? खादर। तो बच्चा न्यू फ्लड प्लेन एरिया यानी कि नदियां नई सेडिमेंट्स ला रही है, और बच्चा ये जो सेडिमेंट्स नदियां नई लाती है ये बहुत बहुत उपजाऊ होती हैं, ये बहुत फर्टाइल होती हैं।
यही तो कारण है कि बच्चा आपका यूपी, पंजाब, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल में इतनी खेती होती, इतनी क्रॉप कल्टीवेशन होती, इतनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। तो मेरे दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ा, आपकी बातें क्लियर हुई। हमने पढ़ा बच्चा आपके बारे में, भाबर के बारे में। भाबर बच्चा वो बेल्ट है जो 8 से 16 किलोमीटर, जिसकी क्या है बच्चा, आपकी चौड़ाई है, जो आपको कहाँ देखने को मिलता है बच्चा, जो देखने को मिलता है बिल्कुल शिवालिक्स के फुटहिल्स के साथ, जहाँ पे नदियाँ क्या हो जाती हैं बच्चा, गायब हो जाती हैं। वहीं पे बच्चा तेराई किया है, वो आपके भाबर के साउथ में पड़ता है, जहाँ पे रिवर क्या हो जाती है बच्चा, आपकी वापस री इमर्ज होती है, वापस आपको सरफेस पे दिखने लगती है बच्चा। मेरी बात आपको क्लियर है? और उसके बाद जो है आपका मैदानी एरिया, प्लेन एरिया, ये पूरा पंजाब आ गया आपका, ठीक है? ये पंजाब का पूरा सदर्न पार्ट पूरा ये आ गया आपका, ये पूरा आरएस पूरा ये पूरा आ गया बच्चा, आपका यूपी का पूरा पार्ट आ गया, मिडल और सदर्न पार्ट पूरा आ गया, ठीक है? यहाँ पे नदी, जहाँ पे पुराना फ्लड प्लेन एरिया होता था, फ्लड प्लेन की डेफिनेशन समझ आएगी, इसको बोलते हैं भांगर, ठीक है? जो न्यू फ्लड प्लेन एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, खादर। अब बच्चा भांगर में हमें क्या मिलते हैं, कैल्शेरियस कंसेंट्रेशन देखने को मिलते हैं। वही भांगर में जो आपको कैल्शेरियस कंसेंट्रेशन देखने को मिलते हैं, उसी का कारण है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या होती है? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसलिए आप देखोगे यूपी में बहुत ज़्यादा सीमेंट क्या है, आपकी इंडस्ट्रीज है। कारण क्या है? वहाँ पे भांगर एरिया बहुत बड़े बड़े जगह में क्या है, उसका फैलाव है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए बच्चा, सीमेंट मेकिंग के लिए। तो मेरे दोस्तों, ये था आपका क्या, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में। हम जो है कल पेनिनसुलर प्लेटू भी स्टार्ट करेंगे, और ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है? उस वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन को खत्म करके बच्चा फिर हम आगे उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे आपका पेनिनसुलर प्लेटू। दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा हमारे चैनल को, हमारे चैनल, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऐसे ही लगातार हम जो है आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको बेहतरीन टॉपिक विद कंटेंट क्वालिटी हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। भूलिएगा नहीं द मंजिल भारत को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों, टेक केयर।